साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक वैसे ही कई मुश्किलों में फंसे हैं। हर तरफ से मुसीबत हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी है। जेल, ईडी की जांच के साथ ही मलिक खराब स्वास्थ्य से भी जूझ रहे हैं, जिसके इलाज के लिए बड़ी मुश्किल से कई जतन के बाद मलिक को प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की परमिशन मिल पाई है और इलाज खत्म होते ही मलिक को फिर से जेल में ही आना पड़ेगा। इधर बाहर उनका पॉलिटिकल करियर भी खतरे में है। ईडी की जांच में सारी संपत्तियां भी सीज हो चुकी है, परिवार भी जांच के दायरे में है, यानी कि हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ मुश्किलों ने ही मलिक को जकड़ के रखा है। अब इन सब के बीच एक और बुरी खबर मलिक के लिए है। जी हाँ, और ये बुरी खबर ईडी दफ्तर से नहीं बल्कि एनआईए के ऑफिस से आ रही है। एनआईए द्वारा डिटेन किए गए मलिक के करीबी सुहेल खंडवानी ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिससे मलिक की मुश्किलें और बढ़ना तय बताया जा रहा है। तो एनआईए के सामने खंडवानी ने क्या क्या किए खुलासे और कैसे खंडवानी के मुंह खोलते ही मलिक और मुश्किल में फंस सकते हैं, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हाल ही में देश की बड़ी जांच एजेंसी एनआईए ने मुंबई के 29 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां से कई आरोपियों को डिटेन किया गया था। इस कार्रवाई के दौरान एनआईए ने मलिक के करीबी सुहेल खंडवानी को भी हिरासत में लिया था। सुहेल खंडवानी पर डी गैंग से रिश्तों, टेरर फंडिंग समेत कई गंभीर आरोपों की जाँच एजेंसी की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें, सुहेल खंडवानी माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी हैं। बड़ी बात यह है कि एनआईए की टीम ने खंडवानी के घर पर रेड मारी थी और इस छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम की तरफ से खंडवानी के घर के बाहर कड़ी सिक्योरिटी खड़ी की गई थी, क्योंकि मुंबई में खंडवानी का बहुत बड़ा नाम है और सुहेल के घर छापा मारना एनआईए के लिए भी उतना आसान नहीं था। छापेमारी के बाद एनआईए की टीम ने खंडवानी को हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद सुहेल खंडवानी से एनआईए ने लगातार दो दिन तक पूछताछ भी की। द प्रिंट अखबार की माने तो दो दिन तक सुहेल खंडवानी एनआईए के दफ्तर पहुंचे और अपने साथ फाइलों का ढेर भी लेकर पहुंचे। द प्रिंट के मुताबिक साउथ मुंबई स्थित कुंबाला हिल्स में एनआईए के ऑफिस में सुहेल खंडवानी ने दो दिन तक लगातार हाजिरी लगाई। इस दौरान खंडवानी के साथ उनके एक सहयोगी भी थे। सामने आया है कि इस दौरान खंडवानी उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी लेकर पहुंचे थे, जिसमें नवाब मलिक का बेटा फराज मलिक भी निदेशक के पद पर रहा था। रिपोर्ट्स की माने तो सुहेल खंडवानी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद नवाब मलिक के बेहद करीबी माने जाते हैं। खंडवानी और मलिक परिवार के कारोबारी रिश्ते रहे हैं। मलिक और खंडवानी 35 सालों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साल 1999 में खंडवानी और मलिक ने मिलकर एक ट्रस्ट शुरू किया था, जिसके तहत कुर्ला में एक स्कूल भी खोला गया था। खंडवानी टचवुड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है और नवाब मलिक का बेटा फराज मलिक इस कंपनी में साल 2006 से 2016 के बीच निदेशक रहा था। सामने तो ये भी आया है कि गुजरात के कांडला स्थित एसोसिएट हाई प्रेशर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और टचवुड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी थी। नवाब मलिक और फराज मलिक ही नहीं बल्कि टचवुड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में सुहेल खंडवानी समेत कई लोग बोर्ड में शामिल थे। इस फार्मा कंपनी पर पहले से ही सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। इस कंपनी पर बैंक धोखाधड़ी के आरोप है। एनआईए को शक है कि इसी कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कर्ज के पैसे का इस्तेमाल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में जमीन खरीदने के लिए किया था, जो कि डी गैंग के सहयोगियों की जमीन बताई जा रही है। अब सुहेल खंडवानी ने एनआईए की टीम के सामने क्या कुछ बताया, ये तो आधिकारिक तौर पर अभी तक सामने नहीं आया है, मगर रिपोर्ट्स की माने तो एनआईए की टीम ने सुहेल खंडवानी से मलिक के बेटे फराज मलिक से रिलेटेड भी कई सवाल किए और उस कंपनी के बारे में भी सवाल किए जिसमें मलिक का बेटा 10 साल तक निदेशक रहा था। टीम ने खंडवानी के सभी कागजातों को अपने पास रख लिया है और उनकी गहन जांच भी की जा रही है और जांच के बाद कई लोगों को लपेटे में लिया जा सकता है, ऐसी खबरें भी आ रही है। कुल मिलाकर रिपोर्ट्स की माने तो सुहेल खंडवानी पर लगे आरोपों में अगर कुछ भी सही साबित हो जाता है तो नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक का फंसना पूरी तरह तय है।
तो फिलहाल तो इस मामले में सभी की नजरें एनआईए की जांच पर है, क्योंकि जांच के बाद ही सारी स्थिति और आरोप साबित हो पाएंगे। तो आपको क्या लगता है, खंडवानी और मलिक के 35 साल पुराने रिश्तों में फराज मलिक कितना फंस सकता है? क्या खंडवानी के चक्कर में मलिक और उनके परिवार की मुश्किलें और बढ़ सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार यानी 13 मई को जेल में बंद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में ले जाने की अनुमति दे दी। वहीं एक दूसरी विशेष अदालत ने शुक्रवार को ही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की उनकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। अब एक जैसी डिमांड पर एक ही दिन मलिक को मंजूरी मिलना और देशमुख को परमिशन न मिलने से मामला बेहद गंभीर हो गया, वो भी ऑर्थर रोड जेल के अंदर। दरअसल मुंबई में सरकारी जेजे अस्पताल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मंत्री मलिक को जिन कुछ मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है उनकी इस अस्पताल में सुविधा नहीं है। इसके बाद मलिक के वकीलों ने कोर्ट में मांग की कि मलिक को एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाए, जहां वो अपने खर्चे पर अपनी बीमारियों के लिए वर्षों से इलाज कराते रहे हैं। कोर्ट ने पिछले हफ्ते निर्देश दिया था कि मलिक को मेडिकल टेस्ट के लिए और आगे की जांच के लिए जेजे अस्पताल में ही रखा जाए, मगर 13 मई शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश आरएन रोकाडे ने ऑर्थर रोड जेल के अधीक्षक को आदेश दिया कि मलिक को प्राइवेट अस्पताल क्रिटी केयर में भर्ती करवा दिया जाए। अदालत ने ये भी कहा कि मलिक को पुलिस की निगरानी में रखा जाएगा, जिसका खर्चा भी मलिक को खुद को ही उठाना पड़ेगा। अब वहीं दूसरी तरफ एक और विशेष अदालत ने शुक्रवार को ही निर्देश दिया कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को उनके अव्यवस्थित कंधे की जांच के लिए नगर निगम द्वारा संचालित KEM अस्पताल और आगे के इलाज के लिए JJ अस्पताल भेजा जाए। अदालत ने एक निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में CBI और ED द्वारा गिरफ्तार किए गए देशमुख ने पिछले महीने थरूर जेल में एक कंधे में परेशानी की शिकायत की थी, जहां वो खुद नवंबर 2021 से बंद है। अब इसी क्रम में उन्होंने मेडिकल टेस्ट और आगे के ट्रीटमेंट के लिए निजी अस्पताल में शिफ्ट किए जाने की याचिका दायर की थी, मगर कोर्ट ने उसे अस्वीकार कर दिया। अब एक ही दिन एक जैसे मामले पर कोर्ट के अलग अलग फैसले से ऑर्थर रोड जेल के अंदर और बाहर काफी सरगर्मी देखने को मिली। सूत्रों की माने तो जेल के अंदर जहां अनिल देशमुख का पारा हाई दिखा, वो कई बार सेल के अंदर बड़बड़ाते भी दिखे, तो वही मलिक भी ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने इलाज के तुरंत बाद मलिक को जेल में ही शिफ्ट करने का आदेश दिया है। वही सियासी हलके में भी कोर्ट के अलग अलग फैसलों को लेकर कई तरह की हैरानी जताई जा रही है, मगर कोर्ट के फैसले को चुनौती तो दी जा सकती है, मगर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। खैर, आपको क्या लगता है, क्या मलिक की बीमारी निजी अस्पताल में कितनी जल्दी दुरुस्त हो जाएगी, या महीनों तक जेल से बाहर रहने के लिए मलिक की बीमारी कहीं बढ़ ना जाए, और क्या अनिल देशमुख के साथ नाइंसाफी हो रही है? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।